राम राम भाई, सारे भैया ने सत श्री अकाल। मैं आपका बड़ा छोटा इसका भी कमेंट अगर ये व्यू वीडियो के अंदर देख रहा है तो भाई ये जरूर संपर्क करा अपने ते। मेरा नंबर भी नीचे चल रहा होगा। जो भी परमीत भाई ने मान सम्मान की बात करी थी वो आप स्पष्ट तरीका दिलवाओगे तो अंकल जी आप जावांगे वहां ते, एक चीज जरूर लेके आऊंगा अपने व्यूवर्स खातर, आदर मान जो मेरे लिए सबसे मेन है। तो भाई 15-15 किलो, एक लाख 15-15 किलो तो कुंशिये नहीं घटे, कुंशिये की हाँ जी, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल भाई जी। मैं आपका अपना छोटा भाई राहुल सी आ गए तो फिर से स्वागत करूं भाई आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। बहुत बढ़िया प्यार देने ला रहे हैं भाई पिछली कई वीडियो थे, तो आज फिर जो अपनी वीडियो कवर करने पहुंचे हैं भाई, जुलाना के अंदर ब्राह्मण वास वालों की डेयरी है भाई नरेंद्र जी की। तो अब आप पूरी जानकारी ले हुए भाई ने बोला दूध की झोटी बहन दीप की बारा पाने की दूध की कमी नहीं होने दें गर्मियों में, तो पूरी जानकारी ले हुए भाई कि रेट में पड़ता होगा कि नहीं आओगा, रेट जायज पाओगे कि नहीं पाओगे, कहते दूध दूध भी अपनी जगह ठीक नहीं होता, रेट भी देखना पड़े हैं। तो एक बार आओ आप अंकल जी, एक बार तो नमस्कार अंकल जी। राम राम भाई साहब, राम ठीक है? हाँ बिल्कुल बढ़िया अंकल जी। अरे भैया राम राम भाई, सब ने यूट्यूब चैनल देखने वाले ना, सब ने राम राम। तो आज एक बार आप तो पूरा एड्रेस बताओ एक बार। तो अपना नरेंद्र डेयरी फार्म, जुलाना, तहसील जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जींद। अच्छा, बस स्टैंड से और पुरानी अनाज मंडी? पुरानी अनाज मंडी से 2 किले। अच्छा, 2 किले दौड़ रोड पर। दौड़ रोड पर। और मोबाइल नंबर और बता दो आप। 98-128-74-850। तो ये मोबाइल नंबर है। तो आज कितनी झोटी रहेंगी अपनी वीडियो? अपनी वीडियो में 6 झोटी रहेंगी। अच्छा, इसमें है दूध वाली झोटी कितनी रहेंगी? 4 दूध वाली हैं, 2 गैबड़। 2 गैबड़ है। तो चलो एक भाई शुरुआत कर लेते हैं फिर दिवेरा लागा भाई, दूध वाली किसी है, गैबड़ किसी है, वो लाइए वो खोल। तो एक नंबर खोल के लेके आ भाई। तो इसकी एक नंबर की क्या कुछ डिटेल है अंकल जी? या एक नंबर शाम ने भी आई थी भाई राहुल। अच्छा, कल शाम ने, यानी आज क्या तारीख होगी? 20 होगी आज, 21 है। हाँ। आज 21 तारीख होगी, 20 तारीख ने शाम ने बच्चा लिया, भर लिया। हाँ, शाम ने बच्चा दिया। हाँ। इसने तो कौन सा लैक्टेशन में चल रही है? दूसरे ब्यांत में है। दूसरा ब्यांत में चल रही है। तहसील लंबी कर ले। तो भाई इसकी हाइट लेंथ बहुत काफी अच्छी है भाई, जो एक ब्लैक गोल्ड कह सका, काला कलर तीन शाह काली का जमा काली झोटी है, मुर्रा बढ़िया झोटी है। तो भाई अर्डर पोजिशन आप देख सको हो खी से, और गोला कितना निकाला इसका? इसका 4 किलो सामने काटा था, 4 किलो सुबह काटा है। अच्छा, 8 किलो पीछे काटा इसका। जब यह क्या बन थी, किस पोजीशन पर बन? क्या बन तो बहुत बढ़िया, बैठे भी ना जाता। अच्छा, तो भाई आप अर्डर पोजिशन चल दी करना लगा सको भाई, फिर तो चला आगे देखा, एक बार चला आगे देख पेटा भरवा भाई अपने। तो भाई थन है जो सही, जो दूध वाले चुवाई भी बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत चुवाई की झोटी है। तो सींग सिंगार है भाई, बॉडी के हिसाब से बहुत अच्छा गोलदार घुमावदार सींग है, और जो चेहरा मुरा बनावट है भाई वो भी आप देख सको हो। तो भाई पूरी जानकारी आप ली झूठी की, तो सेकंड लैक्टेशन में, फर्स्ट लैक्टेशन में अपने फार्म पे थी या बाहर खरीद ना पा तो लेके आए? हाँ यार, 10 किलोमीटर अपना पास में गाँव पड़े। अच्छा, अच्छा। वहां से लेके आए। हाँ, तो कितना दूध की उम्मीद मानो हो, सच्चाई वाला दूध बताइए? सच्चाई दूध तो हम तो भाई मालिक पर लेके आए। हाँ, उसकी बतावा। हाँ, मालिक ने उठा बच्चे ने छोड़ गए, और 12 किलो दूध इसने काटा है पहले ब्यात में। पहला ब्यात में 12 kg, क्योंकि मेरा अंकल जी अगर सच्चाई का काम चल रहा है 12-13 किलो दूध या खरकी काट रही है, क्योंकि कई भाई कमेंट भी कर, मेरी पिछली वीडियो कवर करके आया उसमें कमेंट आ रहे थे कि हम पेड काम करा क्योंकि हमारा पैसा मिला। हाँ, है ठीक बात है, हम अच्छा ही नहीं करते पशु, देखो जिस पशु होगा उसका बताना भी दिन चलेगी ना? नहीं चल अंकल जी। तो इसकी क्या कुछ कीमत है अंकल जी वो बताओ एक बार? इसकी 1,40,000 रुपए कीमत। 1,40,000, अरे फिक्स दाम पर जरूर काम करियो। अब फिक्स दाम होगा बढ़िया, सारी जो बात बताऊंगा सच्चाई मिलेगी, जो दूध बताऊंगा जिसमें उतना दूध मिलेगा, इस चीज की कोई भी भाई आगे 2-4 टाइम आगे देख सके छो सके। तो उम्मीद बता दो कितनी? उम्मीद 16 किलो की तो उम्मीद मानना है। हम लोग तो सारे कहेंगे 20 किलो दी गए ऊपर दे तो ऐसे इतना फालतू दे दे, लेकिन 16 किलो की तो उम्मीद आप मानना। तो भाई पूरी हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा जो है बहुत ही जबरदस्त है भाई, थन है वो भी बहुत जबरदस्त है, 16 लीटर 17 लीटर प्लस प्लस रहने की झोटी है। तो इसका बच्चा और कवर करिए भाई एक बार, ताकि कंफर्म हो जा कितने दिन की ब्यांत होगी। कटिया है कटड़ा अंकल जी इसके नीचे? कटड़ी है इसके नीचे। अच्छा, कटिया है। तो भाई इसके जो आपात चेक करवाए आपने,
तो भाई आप देख सको, खड़ा कर ले जमा सामने, कन्फर्म हो जाए। दिख गया भाई? तो भाई शाम का बच्चा दिया था इसने, तो इसके बाद मोल भाव आपने ठीक कराया इसका लगभग मेरे हिसाब से तो लागे, क्योंकि आज का बाजार इसी जोटिया के 170-180 मांगे हैं। बिल्कुल मांगे हैं, यह दूसरा फार्म पर चली जाओ तो दो की हो जाएगी, दो की 2 लाख रुपये मांगेंगे इससे के। तो इसके बाद जो अपनी फर्स्ट टाइमर की जोटी आ गई अंकल जी, कैसे है एक बार इसके, इसको खोल के ले भाई, एक बार खोल 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 लेके चला भाई इसको। तो अपने यह कौन सा ब्यांत में अंकल जी? यह खर्ची है पहले, फर्स्ट पहला ब्यांत। तो भाई बहुत कम देखने मिले हैं पहला ब्यांत में इतना रोबदार शरीर जो आप कह दे भाई कि बहुत कम देखने मिले है। तो भाई सींग सिंगार है, एक हाइट लेंथ है भाई बहुत ही जबरदस्त है। कार की जोटी में इतनी हाइट किसे किसे मिलेगी ना? नहीं मिलती अंकल जी, बहुत कम मिला है। और जो भाई आप अडर पोजीशन देख सको ना, ये लगा लो कि जो टाइट अडर जो दूध वाला अडर का अंकल जी वो साइड ले जाए, लंबी करो साइड। तो कितना दूध तैयार कर रही है फिलहाल? दूध इसमें 12 लीटर तैयार है। कितने दिन की ब्याई? 6 दिन की 7 दिन की ब्याई हुई है यार, चुवाई की बहुत बढ़िया है। तो भाई इसका आपने दिखा है, तो ये लगा लो आपको 3 बब्बर शेर हाथा पहलवान हाथा लगा दो इटिया जमा, क्योंकि खीस में या जब सही जोश पाओ ही तो टाइम भी रहे धारने कारण में बड़ी ऑर्डर पोजीशन बढ़िया करती। दूध काट देगी 15 किलो खर की जोटी, 12 किलो भी थोड़ा गुना होता अंकल जी, 12 किलो तैयार है इसमें। एक सच्चाई बताइयो, कांडा का बताइए कितना दूध तैयार हो रहा है? कांडा का 12 किलो 2 टाइम आगे कोई भी चोसेगा इसने। तो भाई एक जो कह रहे भाई क्वालिटी, पहला पशु में भी अंकल जी यहाँ क्वालिटी दिखाई दी अपन ने, और जो सेकंड नंबर की जो झोटी है फर्स्ट टाइमर की, इसमें भी बढ़िया जो क्वालिटी है वो दिखाई दी, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर बहुत रेयर बंदे काम करे हैं। तो अंकल जी पहले वीडियो कवर करी थी, तो इस बार क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया अंकल जी, क्वालिटी बहुत अच्छी लेके आए अब की बार, ताकि अच्छा पशुधन आप तक पहुँचा सका। तो इसकी नीचे मेल है फीमेल का अंकल जी? कटड़ा है इसके नीचे। अच्छा, इसका नीचे कटड़ा है। तो मोल भाव की रहेगा अंकल जी इसका? जायज हा, मीठा मीठा भाव कर दियो। यह भी 140 की दे दें राहुल, 140 की 12 किलो हाल फिलहाल में तैयार है। हाँ 12 किलो तैयार है दूध। अच्छा, तो भाई एक अच्छा हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा जो भी आप सिंग सिंगार देख सको हो, तो भाई बहुत ही जबरदस्त है भाई। एक जो लंबाई है ना वो बहुत जबरदस्त है भाई, दी एक सेकंड। लंबाई हाइट देख कितनी ऊंची है? तो भाई जो कर आप मेरे अंदाजा लगा कि भाई हाइट लेंथ है, और जो चलती है तौर तरीका भाई बहुत ही जबरदस्त है। लंबाई अच्छी, लंबाई भी ऊंचाई भी सींग भी थन भी लोटी भी सारा सौदा बढ़िया, पुट्ठा कितना चौड़ा है? बहुत बहुत बहुत, और लंबाई भी बहुत अच्छी है भाई पुट्ठा की जैसे भी है, कवर अच्छी हुआ है। तो भाई इसका जो बच्चा और कवर कर दिया भाई, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कितने दिन की ब्याई होगी। तो भाई ये बच्चा है इसका, आप देख सको कि भाई 1 हफ्ता करीब आज ब्यांत कंप्लीट हो गया भाई जोटी का। तो इसके बाद अंकल जी इसका ये मोल रखा आपने 1,40,000 रुपये, फिर बाकी अंकल जी जो आप आए फिक्स रेट के ऊपर काम करेंगे, इसमें कुछ हादर मान लो अगर कोई बाहर था जो रेट बताओ राहुल, आप फिक्स बताओ, इनके 1.5-1.5 लाख मांग ले, 2 लाख मांग ले, फिर आप मान ले कम करे जाओ, उसमें क्या फायदा है? बिल्कुल जायज बात है ये भी। तो 3 नंबर की जो अपनी जोटी है अंकल जी, इसकी डिटेल दे दो बिल्कुल, जो सच्ची डिटेल होने वो दियो इसकी भी, क्योंकि सच्चाई इसका कद छोटा है, हाइट कम है, लोटी थन बहुत बढ़िया ले रही है, अभी सींग क्वालिटी बढ़िया है, हाइट कम है इसकी बिल्कुल। तो अडर पोजीशन भाई चलती का रोब तो तरीका आप देख सको हो वीडियो के अंदर। तो बाहर की खरीद भी रहे अंकल जी अपनी, अगर मान लो बाहर की ग्राहक की रहो, बाहर के ग्राहक भी आ जाए भाई साहब अपने दूर, बाहर के ग्राहक अपनी आडर पसंद आओ तो आडर ले लेना, तो बाहर घूम के भी दिवा लगभग क्वालिटी ऐसी लेके आ रहे हो आपकी बार आप की भाई यहीं से पसंद आओगे लगभग, वो ग्राहक की मर्जी है यहाँ से ले या बाहर से ले। बिल्कुल बाहर भी दिवा दे और आडर भी। तो जो हाइट है वो कम है, पर जो भाई अडर पोजीशन है थन कितना निकाला है अंकल जी? अजूकर पहुंचे थन पछाड़ी का तो घना मजबूत काट है, गाड़ी का थोड़ा कमजोर रखा है, अगाड़ी का थोड़ा कमजोर रखा है। मतलब दूध कितना खा गाड़ी में फिलहाल? अगाड़ी किलो से ऊपर की है, किलो से ऊपर की, और पछाड़ी ईव दूध इसमें 9-10 किलो दूध तैयार है, 9-10 ताजी ब्याई? हाँ ताजी ब्याई। अच्छा अच्छा, तो भाई आप इसका जो तौर तरीका हो देख सको हो चलने का, तो कितने एक दिन की ब्याई होगी आज? या 4-5 दिन की ब्याई हो रही है, 4-5 दिन की ब्याई में जड़ा किसा को जाए इसका? जड़ा बढ़िया जमा इसी हो जाए, नाइट्री है दरगाह के पास भाई। अच्छा सिंग सिंगार क्वालिटी ठीक है भाई, जो छोटा पशु है पर भाव भी छोटा हा कर दो इसका, भाव भी छोटा है। के भाव इसका? इसके 92,000 रुपये,
इसके 92,000 रुपये। कितना दूध की उम्मीद मानो? उम्मीद 12-13 किलो दूध की उम्मीद मानना है। चलो 12 किलो 92,000 रुपये। चलो भाई एक अच्छा पशु भाई, इसका बच्चा और कवर करिए भाई ताकि कंफर्मेशन हो जाए कै दिन की ब्याई है। तो भाई ये बच्चा है भाई इसका, तो भाई ये बच्चा आप देख सको भाई बिल्कुल काची ब्याई है, कोई शक नहीं कोई झूठ नहीं भाई इस चीज में। तो इसके बाद अंकल जी अपनी जो ये झोटी है इसने और खोल के चला के दिखा भाई, और आप डिटेल दे दो अंकल जी बिल्कुल बारीकी से सूचक तरीके। यह खर की झोटी है। अच्छा ये अभी फर्स्ट टाइम झोटी है अपनी फार्म पे, तो इसका के कुछ डिटेल है अंकल जी अपने? इसमें दूध है 8-9 किलो। हाँ। ये बच्चा मुंह लाया गया था, खुला गया था ये। अच्छा, बच्चा खुला गया था। इब कितना है दूध इसके नीचे तैयार? 8-9 किलो दूध तैयार है। 8 या 9 किलो का अंदाजा। तो भाई खोल के चला भाई एक बार, इसने कवर कर लिया। खोल लेना। 8-9 किलो दूध तैयार का है। कितने दिन की ब्याई हो गया? ये सारी काची ब्याई राहुल को 4 दिन की, को 5 दिन की सारी। अच्छा मतलब इसमें एस्टिमेट है। तो भाई ये भी फर्स्ट टाइमर है भाई, तो भाई हाइट है अच्छी है भाई, लंबेट भी अच्छी ले रखी है झोटी ने, और जो चलने का तरीका है भाई आप वो सुस्पष्ट तरीका देख सको हो। सर पर शायद टिक्का भी है इसका। हाँ, छोटा टिक्का है। छोटा टिक्का। चलो ये तो सबकी अपनी अपनी कुदरत की है। कुदरत की है। टिक्का ली के दूध कौन काट दे? ना दूध सारी काट देंगे। दूध सारी काट दे, जुन सी दूध काट दे भाई। बढ़िया भाई बढ़िया, अपन तो दूध दूध अच्छी है भैंस का और अच्छी है। बिल्कुल। तो इसके नीचे कितना दूध तैयार हो गया? 8-9 किलो दूध तैयार है। इसमें 4-5 दिन की यह ब्याई है। 4-5 दिन में यह दो ब्याई पास है, 2-3 दिन जुगर चरी कौन थी। अच्छा, चरण लगी है, दांत तो देखने पड़े भाई। अच्छा दांत नहीं देखे हैं। तो चलो भाई फर्स्ट टाइमर है भाई, तो बॉडी कंडीशन तक भी नजर आओ आपने। तो ईब 9-10 किलो दूध तैयार है इसके? 9 किलो भी हो सके है, 8 भी हो सके। जोर भैया की चुवाई है, आप मान ले बाहर जावा भीतर जावा उस अंदाजे तो बताओ। ऊपर पावा कम नहीं पाओगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लिया इसने भाई चलाता रहे, कोई दिक्कत को ना पानी पीने दे घुमा ले। तो इसका मोल किसा करोगे फिर आप? टाइट करोगे ना? इसका मोल जमा छोटा, जमा छोटा किसा छोटा? केवल 88,000 रुपये इसके। ओहो जमा है, घी गाल दिया। तो अब की बार कद देख ले, पूरा कद है। बिल्कुल 1.5 लाख वाली का भी नीचे फर्क तो नहीं है कि भाई इतना कम मोल ना? रेटे जायज देवा आप। अच्छा अच्छा चलो भाई रेट जायज, रेट जायज देवांगे जब ग्राहक बार बार आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई 88,000 रुपये अंकल जी ने बता दिया है, बाकी आए का जो भाई दूर तो चल के आदर मान सत्कार है भाई। तो वह फर्स्ट टाइमर है, सिंह सांग को छेड़छाड़ नहीं है शायद, बनवाने रखे ना जो कर भगवान ने दे रखा है वो ही चीज है, वो है इसके नीचे। तो नीचे कटड़ी है, कटड़ा अंकल जी इसके नीचे? इसके नीचे कटड़ा है, कटड़ी है। तो इसके नीचे भी कटड़ी है, तो मैं कहूँगा एक बार कटड़ी और देखा, एक बार देख ले भाई कटड़ा है कटड़ी। ये देखियो रा तंदुआ भी टूटा है, देख लेने का नहीं बच्चा का पुरान साइड दे दिखा दे। तो ना बिल्कुल सच्चाई पाओगी, बस आप पाए ये विश्वास अंकल जी की दूध जो हो एक्चुअल टीम वो बताइयो, क्योंकि मोल भाव कोई भी आदमी आ गए, कोई भी व्यापारी है, एक आदमी है, भाई है, किसान है, आ गए 2 टेम 4 टेम धार देखो पसंद आवे जब ले। लगभग बाहर की ग्राहकी नहीं तो दूध पीने वाला ग्राहक लगभग ज्यादा ऐसे पशु लेने की कोशिश। हाँ हाँ। तो उस खातर भाव में क्योंकि जायज हो जाए, हर व्यापार लाइन में तो चलु हुए हैं जो आपकी सभी व्यापार लायक है, और एक दूध पीने वाला, दूध पीने वाला कोई भी भाई आ गए, 2 टेम चौक है, रुकने की सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, दाऊ जांच पर रखे जब लेकर जाओ। इसके बाद आ गई अपनी ग्याबण झोटी। ग्याबण झोटी है, खोल भाई। चलिए खोल दे भाई एक बार ग्याबण। हाँ या खोल दे। तो अंकल जी दे दो सींग, देसी है शायद शुरू में बता दूं मैं। सींग देसी है, फिर पीठ बाडी बहुत बढ़िया है, थन लोटी बहुत बढ़िया ले रही है। तो भाई इसकी भी आप कंडीशन देख सको भाई, चलती का रोग तौर तरीका एक ग्याबण भैंस का, फिर ग्याबण भैंस की ओट सोट के चलेंगे अंकल जी अपने पास। ओट तो भाई इनकी धार मार के लियावा, थन चेक करके लियावा रहा हूं कि बाद में जुकर भाई फूल वगैरह की ओट। हां फूल की ओट देवांगे जमा कोई भी भाई लेगा, और थना की? थना की अपनी धार मार के देख लो। अच्छा किसान भाई ले होगा, जमींदार ले होगा, उसकी ओट दे देंगे ना। परमीत भाई कहो था कि भाई मैं दे दूंगा ओट, वो तो ओट भी दे देंगे, कोई बात को नहीं, लेकिन न्यू व्यापारी तो धार मारे के अपना जांच परख ले है, वो मैं सही है, लेकिन दूध पीने आदमी है उसकी आप आउट भी दे देंगे। तो कौन सा ब्यांत में फिलहाल लिया? या तीसरा ब्यांत में भाई? तीसरा ब्यांत में है, चौथा मत नहीं है बस, तीसरे की कह के दे रखी है वो, चाहे या चौथे भी हम जिद्दी तो लांदे को ना किसी के लिए। चलो वो तो जो भी वो जो लेनी है वो अपना से तीसरा ही मान के लो, चाहे चौथे ही मान के लो, अब बॉडी लैंग्वेज देने की मैं इससे बढ़िया। तो भाई जो पीठ बाडी है जो अंकल जी बताओ है अच्छी है भाई,
जानकारी भी सुस्पष्ट तरीका से बता दो कि भाई इतना दूध पिछले ब्यांत में निकाला है। भाई राव लोगों तो सारी के किसकी सच्ची माना, लेकिन आप तो अपना अंदाजा है तो लेवा। हाँ हाँ, इतनी मैं सच्चाई बोलता हुआ 15 किलो दूध की बताऊं, देखो 15 किलो दूध मारा काट है। चलो 14 मान लो, 14 भी थोड़ा, हमने तो 14 मान के ली है। फिर न्यू है भाई, सारा एक सी चराई भी नहीं होती, जब कोई भाई बुढ़ी या लेकर जागा चराई करेगा तो 16-17 भी काट देगी। तो ये बात आ गई इसकी कीमत पर, कीमत इसकी 1,02,000 रुपये, 1,02,000 रुपये कति न्यू मान लो। बहुत वीडियो कवर करा हाँ, 15-15 किलो, 1-1 लाख 15-15 किलो तो कुंसिए नहीं घटे, कुंसिए की शायद जून जुलाई का महीना लिया है, जमा गर्मी का महीना है जो सस्ती होने का टाइम आ रहा शायद आप सस्ती कर रखी है सारी जमा। चलो ठीक बात है भाई, तो भाई बहुत अच्छा पशुधन देखने मिला भाई। अभी लोग जो बारिश में भाग रहे हैं, आपने जमा जेठ के भी नम कर दिए हैं गर्मी में। चलो बहुत अच्छे भाव लगे आपके भी, तो इसके बाद भाई इसने खोल के चला के दिखा ताकि इसकी जानकारी और आप सुस्पष्ट तरीका अंकल जी यहाँ ले सकें और बिल्कुल बारीकी से जानकारी लेवा ताकि ग्राहक तक या जो व्यूवर्स हैं उन तक अच्छी जानकारी पहुंचे। तो इसकी क्या कुछ डिटेल है अंकल जी, कौन से इलेक्ट्रेशन में, कौन से ब्यांत में या दूसरे ब्यांत में है भाई राहुल? दूसरे ब्यांत में बच्चा देवगी अभी। हाँ, बच्चा देवगी बले होगी या 10 दिन तो दाऊं। हाँ तो भाई है भाई, इसके तो कम तक बहुत चौड़ा है, जमा जेड ब्लैक है, हाइट लेंथ बहुत बढ़िया है। मैं कहूँगा इसकी हाइट लेंथ एक बार अच्छे से कवर करिए भाई जोनी, क्योंकि बहुत अच्छा पीठ पुट्ठा है, जो भी सिंगार है पीछे का बहुत अच्छा है इसका। तो फर्स्ट टाइमर ने कितना दूध दिया अंकल? या 12-13 किलो फर्स्ट टाइमर दे रही है भाई, क्योंकि एक तो उम्मीद लगा इसका ना, उम्मीद नहीं दे रही है या अपने एक जानकार के दौरे तारी है। अच्छा, 12-13 किलो दूध दिया मतलब दे रही है पिछले ब्यांत में। अच्छा, उससे उम्मीद पापा इसने लेकर यहाँ कई दिन पहले। हाइट लेंथ अच्छी है बिल्कुल, हाइट तो फुल है जमा, मैंने लगभग आपके जितने भी पशु कवर करे हैं 5-6 मतलब कोई भी शायद कमजोर नहीं लगे आज, सारे बढ़िया पशु हैं, सारे ठीक लगे और बाकी सब चीज ठीक लगी। तो उन कमेंटा तो अवॉइड कर दियो कि भाई जो 60,000-70,000 अस्सी वो तो बाहर ही नहीं रही। ठीक है, तो जो कमेंट कर रहा ना कि भैया 60,000-70,000 मैं उन तक एक के बात कह रहा हूँ कि भाई थम हमने खरीद करवा दो। ठीक बात है, जो दिवा दो कड़े ही आज इस क्वालिटी में पशु जो रेट हमने बताए हैं इस रेट में, हमने भी कोई बता दीवादा हो तो हमें लेने तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपना नंबर है भाई साहब, कोई भी फोन कर दियो आप ले भी लेंगे। चलो तो भाई ने चलती ने फिर दिखा एक बार ताकि सुस्पष्ट तरीका था और अच्छा क्वालिटी इसकी जो दिख सके। तो कल कितनी उम्मीद मानो? 14 किलो की मानो आप? नाइस जो ठीक है, उम्मीद आप ज्यादा मानना। अच्छा ज्यादा नहीं, 15-16 किलो की उम्मीद मानना इसकी। तो बिल्कुल कच्ची कटिया है, शायद हो भी 6 दांत। दांत तो देखने पड़ेंगे, क्वालिटी बहुत घनी बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है। तो थन थन की सा मतलब निकाला है पिछले ब्यांत पर आपने, चुवाई की बढ़िया है इसकी, अपनी जमा ओटारी है इस चीज की, थना की भी, चुवाई की भी, दूध की भी, सारा शुद्ध की ओट की ओट दोगे आप? ये बताओ ग्राहक ने जो ओट मांगेगा वही ओट दे देंगे आप। चलो भाई बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा तरीका। तो मोल भाव के बताए अंकल जी आप? मोल इसका जमा जाए तो जाए जमा जमा 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये। तो भाई इतनी हाइट लेंथ में बहुत कम देखने में मिले हैं भाई, और क्या पणका ढक्या ढोल हुआ है। फिर भी अंकल जी ने पूरी स्पष्ट तरीका तो बता दी है कि भाई ओट दे दूँ हर चीज की। तो ओट अंकल जी ने दे दी है भाई, इसका जो पीठ पुट्ठा भाई चौड़ाई ऊपर तो आप देख सको भाई कितनी जबरदस्त है। तो भाई इसी के साथ अपने पास शायद एक गाय और फार्म पे गाय अपने घर के लिए। अच्छा घर के लिए है, तो घर के लिए गाय का भी सेल परचेज का काम करे, अगर कोई गाय लेना चाहो संपर्क करना। गाय अपने एरिया में कम मिले राहुल भाई? कम तो मिले, फिर भी अगर मान लो कोई आजकल गाय की ग्राहक की ना कोई भी न तो भी न में कोई बढ़िया गाय मिल जाए 20 किलो की तो ले भी लेवा को 20-25 किलो की, नहीं तो अपना भैंस भैंसिया सेल परचेज का। अच्छा, भैंस भैंसिया का है। तो इसी के साथ भाई बढ़िया वीडियो लगी हो, जायज रेट लागे हो सब तो मेन बात, और जो दूध क्वालिटी है, पशु क्वालिटी है या किसी लागी भाई, चैनल ने सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताया करो यार, थरा कि मैं लगता नहीं आपने काम करने का और बढ़िया मौका मिलेगा, अच्छा अच्छा पशुपालक तक जाते रहवाए भाई। तो भाई पिछली वीडियो में जो कमेंट है अपन अच्छा लग गया था भाई, वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप देख सको भाई कमेंट है। और ये भाई जो जिसका भी कमेंट है अगर ये वीडियो के अंदर देख रहा है तो भाई ये जरूर संपर्क करा अपन ते, मेरा नंबर भी नीचे चल रहा होगा। जो भी परमित भाई ने मान सम्मान की बात करी थी वो आप स्पष्ट तरीका दिलवाओगे। तो अंकल जी अपने द्वारा भी कोई सी स्कीम है कि मान ले भाई कमेंट है आपकी जानकारी में, आपकी कमी बताने में या आपकी अच्छाई बताने में या पशु क्वालिटी बताने में, जिसका बढ़िया कमेंट लागे उसका आदर मान सत्कार जो भी हो। चलो जो आदर मान होगा वो करेंगे भाई। चलो भाई तो अपनी कोशिश यह रहेगी कि भाई व्यूवर्स ने कदे भी नाराज नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जहाँ भी जाऊँगे वहाँ तो एक चीज़ जरूर लेके आऊँगा अपने व्यूवर्स खातर आदर मान, जो मेरे लिए सबसे मेन है।
तो भाई यहाँ भी यही अपन जो रोल अदा कराया है ताकि आपका सत्कार हो। तो इसी के साथ भाई सभी ने राम राम भाई, तो आप भी राम राम कर दो। राम राम भाई सारे भाई।